प्रेजेंटिंग बाय SCM स्टूडियो। अरे आप जे बोलो न भली मती बोलो, ये जिंदगी कुल्फी के समान है। कुल्फी नहीं है, कुल्फी के समान है। चाहे टेस्ट करो चाहे वेस्ट करो, पिघल तो वैसे ही रही। करे हुटा दनारी पिघली रही ना, पानी पिघली खत्म भी रही नहीं भी। अरे ये जिंदगी वनडे मैच की तरह है, वनडे मैच की तरह, जिसमें रन तो बढ़ते हैं लेकिन ओवर घटते हैं। इसलिए जीवन में पुण्य के चौके और छक्के लगाते रहें, ताकि वो ऊपर बैठा हुआ एम्पायर मोक्ष की ट्रॉफी दे दे। फिर भी आनंद नहीं आई लो आए हाय, मेवाड़ राम ने बैठा ताला खोला मुझे ही आए हाय हाय। एक मेवाड़ी उदयपुर से एक नदी निकलती बेड़च, इसमें से एक कवि की कल्पना है। एक बेड़च की नदी में घास का तिनका बहता बहता चंबल में गया, चंबल से यमुना में चला गया। तो कवि की कल्पना, वृंदावन के तिनके ने कहा इस तिनके को, यार तू कहां से आया, अजीब नजर आ रहा कि मेवाड़ की धरती से आया यार, इतने आया रास्ते में कहीं अटकाया नहीं तेरे को किसी ने, कि बंदा ने अटका वाला कोई पैदा ही नहीं किया। कि यार ऐसा तू क्या खाता है क्या पीता है। तो मेवाड़ी मोटी मोटी बोली, मेवाड़ के तिनके ने कहा वृंदावन के तिनके को कि आप कहीं रोको, क्योंकि हम जमुना जी का पानी पीते हैं और कृष्ण की गायों का खाद लग जाता है और मजा करते हैं, बने क्यों आपने ऐसा पानी पी नहीं खाती नहीं, तो क्या खाता है तू। क्या कहा उसने कि पानी रगता रो पीवता, पानी रगता रो पीवता, खाद माटी री जान, ए वृंदावन रा तणखला मने गढ़ मेवाड़ रो जा। हाय वाह वाह बाबू, एक वो धरती है। देखो ये वीरांगनाएं बैठी है, आप सभी काम पड़ेगा तो मेवाड़ को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं बोल रहे कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन हमारे ब्लड में रक्त में वो ऊर्जा है साहब। मेवाड़ को जागना पड़ेगा और देखना, कभी भी अगर योग आया तो मेवाड़ ही आगे आएगी, ये पक्का भरोसा है। क्योंकि आपको और हमारा इतिहास कह रहा है कि हमें उठना पड़ेगा धर्म के लिए, इसलिए थोड़ी ऊर्जा रखो यार। बोलिए जगदम्बे माता की, करंट आयोग नहीं आयो। ओ मैं दौड़ चरना में थारे आवा, मैं तो चामुंडा दा दर्शन मावा चा, मैं दौड़ दिशाने मुंडा रा दर्शन पावा सा, मैं दौड़े चामुंडा रे आवा, ओ मैया जी चरण कमल बलिहारी, ओ मैया जी चरण कमल बलिहारी, जाने पूजे हैं नर नारी सा, आपके चरणा की रज लागी, ओ भगतारी चिंता बागी सा, मैं दौड़े मैया रे आवा,
यानी घनश्याम करा कि नहीं फोन किया ना कलाकार या कार्यक्रम चाली तो दन उगा मुझे कोई ना कोई आचो रही भली मोड़े आओ पण आई लेकिन मारी तो आया बाबू भगवान जी दे आया परारी परारी ओ मैं तोड़ चरना में घर आवा मैया आपके चरणा जी मांगू सेवा जन पूजे सेवक पावे मेवा सावे दौड़ मैया रे आवा किसी बाप के एक बेटे हो चार हो दस हो एक बाप एक जेल के एक अधीक्षक ने एक कैदी को पूछा कि छह महीना भी गया था कोई मलवा नहीं आवे यार था कोई आदमी नहीं आयो पर कैदी ने कहा मारा घर कोई नहीं आवे थे के कानी नहीं आवे के मैं आके घर हटी जा अबे बोलो कौन मलवा जा गजबरी बात है अबे कौन मलवा जा काम ही बड़ी अजीब दुनिया है दांत काटो दे अरे भगवान के नाम से अगर दिल खोल के जो हंसेगा उसको कभी दिल का दौरा नहीं पड़ेगा बेटा अच्छा हार्ट अटैक की बीमारी उम्र न पड़ेगा सही बात मैं तो हवा हूं किसी तरह पहरे लगाओगे हल्की दुनिया में कई चीज है बनी क्यों यार सब हल्की चीज पानी है क्योंकि पानी में अगर आप एक गारो नाखी दे तो गारो तो जमीन में नीचे बैठ जाए पानी उपरे पानी सब हल्को फिर विचार की तो पानी हल्को कही बे के पानी में घी या तेल ना की तो घी और तेल तरवा लगी जा बाकी पानी ऊंचो रही जा तेल पानी से हल्का घी तेल यार अन्यू और हल्को कही बे के अन्य में अगर भजिया वने ना का तो भजिया ऊपर तरे न तेल नीचे रही जा सबो हल्का भजिया वाह तारा मूल्यांकन बेटो क्यों भजिया सब हल्का ऊपरे तरे हो बाबू दांत यूज भिड़िया देगा देखिए दांत काटवारो काम करे न जीभ मेलवारो काम करे दांत नहीं जीभ आठ वर उम्र में फोरा न ये पेजे ही भरा जा क्या बात है काक अकड़ आदमी रे झट पड़े बाबू जी पीड़ा सोले जा पण माने को नहीं एक दिन अनी दांत क्यों छत्तीस ही दांत जीभ ने के कनी डोपर करे मदी लब लब करे मदी मां 32 बेटा काटिन फेंक देवा मां 32 आदमीया अनी जीब की होगा असल मु नहीं बोली नु तथी अनी मकान में बैठा हो कि अवधव बोली की तो एक ही मेले ला बतीसी ने रवाना करती न झूठी बे तो माँ क्या कड़े कर जो कोशिश पाणु करो मुझे वो नहीं कहो एक निवेदन है दांत काटो यार कहीं फर्क पड़ रहा अपने कि मरिया केड़े काटा की दांत भगवान अभी बावजीन ने क्या सबसे दुनिया में बड़ी चीज है मनुष्य जन्म मिलना बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा